और ये बहुत अच्छा नाइस कॉन्सेप्ट आया है और यूनिक है। तो ये एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा इन्वेंशन है वुमेन सिक्योरिटी को लेके। इसको एक डबल क्लिक करेंगे और वो डबल क्लिक करते ही हमारी जो नियर बाई लोकेशंस रहेगी जहाँ पे पुलिस स्टेशन वगैरह रहेंगे 112 पे, वहाँ पे एक अलर्ट सिग्नल चला जाएगा। ईयरिंग गन है, वुमेन सेफ्टी डिवाइस है। अगर हम आपसे कहें कि लड़कियों की सुंदरता में चार चांद लगाने वाले उनके कान के झुमके उनकी आत्मरक्षा भी कर सकते हैं तो आप क्या कहेंगे? निश्चय ही आपको यह सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन यह बात सच है। वाराणसी के रहने वाले श्याम चौरसिया ने एक ऐसा ही स्मार्ट इयररिंग गन बनाया है जिसे पहनकर लड़कियां मनचलों को सबक सिखा सकती हैं। आपको बता दें कि देश भर में दिनों दिन बढ़ते महिलाओं के साथ छेड़खानी बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए श्याम चौरसिया ने महिलाओं के लिए इस स्मार्ट इयररिंग गन का निर्माण किया है। अब महिलाएं अपने कान के झुमकों से अपनी आत्मरक्षा कर सकेंगी, क्योंकि ये महिलाओं का स्मार्ट झुमका देखने में जितना खूबसूरत है उसके साथ साथ मनचलों व छिड़खानी करने वालों पर गोलियां भी बरसा सकता है। आपको बता दें कि वाराणसी के श्याम चौरसिया ने बनाई है ईव टीचिंग स्मार्ट इयरिंग गन। ये डिवाइस देखने में महिलाओं के ज्वेलरी की तरह है, लेकिन इस ज्वेलरी यानी कि कान में पहने जाने वाले झुमकों से महिलाएं अपनी आत्मरक्षा कर सकेंगी। हमारी ये वुमेन सेफ्टी पर डिवाइस है, इसमें ये है कि एक इयरिंग है हमारी जो हम डेली लाइफ में पहनते हैं जब भी हम ट्रैवल करते हैं, तो ये हमारी सेफ्टी बहुत मतलब सेफ्टी कर सकती है वो इस तरीके से कि वो इयरिंग जब हम पहने रहते हैं और रात में जब हम चलते हैं और रात में अगर कहीं सुनसान रास्ता आ जाता है और उस बीच में हमें लगता है कि हमारी वहाँ सेफ्टी नहीं है या कोई हमें लगता है कि वहाँ पे चांसेस हमें छेड़खानी की मोलेस्टेशंस के बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो उस केस में क्या है जो हम इयरिंग पहने हैं पहने हम रास्ते में चलते हुए भी उसको एक डबल क्लिक करेंगे और वो डबल क्लिक करते ही हमारी जो नियर बाई लोकेशंस रहेगी जहाँ पे पुलिस स्टेशन वगैरह रहेंगे 112 पे, वहाँ पे एक अलर्ट सिग्नल चला जाएगा कि इस लोकेशन पे ये लेडी यहाँ पर मतलब इस सिचुएशन में है, ताकि हमको वो ट्रैक किया जा सके। एज वेल एज हमारी जो फैमिलीज रहेगी वहाँ पर भी एक अलर्ट मैसेज चला जाएगा, और इवन अगर हमारी फ़ोन स्विच्ड हमारी फ़ोन अगर लॉक्ड है फिर भी हमारी कॉलिंग अपने आप चली जाएगी, तो उस केस में क्या है कि हमारे फैमिलीज को भी पता चल जाता है, तो अगर वो हमारे आस पास है तो वो आकर हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में इसका ये भी है कि हमारे पास अगर इन केस हमारा सिर्फ अलर्ट से काम नहीं चल रहा है और भी सिचुएशंस भी पड़ सकती है हमारे साथ, उस केस में हमारे बैग में या हमारे साथ एक गन रहती है छोटी सी रिवॉल्वर, उस रिवॉल्वर में ये रहता है कि वो कान में ऐसे जो लगा रहता है उसको निकाल के हम वहाँ से कॉन्सेप्ट एक स्विच होती है इमरजेंसी स्विच, उस इमरजेंसी स्विच करते ही वो एक ब्लास्ट हो जाएगी बहुत बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत ज़्यादा साउंड में एक आवाज़ आएगी, उससे क्या है कि सामने जो भी हमारे साथ वो करने की कोशिश कर रहा है उस केस में सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर जाएगा, और डरने के साथ साथ उसको ये डर रहेगा कि हमारे पास रिवॉल्वर है और हम उसे मार भी सकते हैं। तो ऐसी ये चीज़ें हैं, ये बहुत कॉन्सेप्ट है और बहुत छोटी सी चीज़ है, वो हम अपने डेली टू लाइफ में क्या मतलब कैरी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत छोटा है, बहुत लाइट वेट है, एकदम छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी है, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। ये कि इस तरह का कॉन्सेप्ट कहाँ से दिमाग में आया हो, और जिस तरह का गन है और बड़ा सा जो इयररिंग आप पहनने की बात कर रही हैं, लगता है कि ये एडजस्टेबल है लोकल पाइन? हाँ, बिल्कुल एडजस्टेबल है, और इस डिवाइस को बनाने का बेसिकली यही मोटो था मेरा, क्योंकि मेरी कॉलेज में एक फ्रेंड थी मेरी जिसके साथ मोलेस्टेशन और रॉबरी का केस हुआ था, उसको ये देख के ही हम लोग बहुत टेंस में आ गए थे कि हम लोग क्या करें, क्योंकि मोलेस्टेशन का जनरली कोई केस नहीं फायर मतलब केस लगता है पुलिस स्टेशन में, क्योंकि उसको लगा जाता है कि फिर अब जाएंगे कोर्ट कचहरी करेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे लोगों को, कहाँ पे लाएंगे, फिर फैमिली मेम्बर को भी इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी सोसाइटी की चीज़ें आती हैं जो कि बहुत गलत होती है कि एक लड़की के साथ, कि हाँ अगर गलत हुआ है तो ऊपर से सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है कि हाँ अगर उसके साथ गलत हुआ है तो सब लोग उसका मॉक करते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं,
तो इसको लेकर के मेरी और मेरी फ्रेंड ने हम लोग ने डिस्कस किया कि ऐसे कुछ डिवाइस बना सकते हैं हम लोग, जिससे कि जो सामने वाला है उसको बस पता चले कि हाँ कुछ हमारे पास भी हथियार है कि जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं उस टाइम पे। अगर उन लोग को लगता है कि हाँ कि अगर वो लोग मतलब ऐसा कोई चांसेस, अगर बाई चांस मोलेस्टेशन भी नहीं हो रहा है, रॉबरी का भी केस है, ये वुमेंस के लिए भी है, ये गर्ल्स के लिए भी है, ये छोटे से बच्चे के लिए भी है, क्योंकि वो ईयरिंग ही है बस। अगर छोटा सा बच्चा स्कूल भी जा रहा है, हर जगह चांसेस रहते हैं कि हाँ बच्चे जा रहे हैं तो कोई बच्चा चोरी हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, बहुत सारे केसेस आते हैं ऐसे। तो उन सबको ही हम लोग ने देख करके ऐसे कोई डिवाइस बनाई थी कि ईयरिंग पे ही हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि ईयरिंग बहुत लाइट वेट होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हम लोग पहन रहे हैं तो बहुत लाइट वेट है, तो हम लोग उसको पहन भी सकते हैं। और उस डिवाइस में हमने बटन्स लगाए हैं, उससे क्या होगा कि उस बटन्स को हम लोग जैसे ही प्रेस करेंगे तो सामने वाले को बस एक जो हमारे नियरेस्ट लोकेशन रहेगी पुलिस स्टेशन की, वहाँ पे एक अलर्ट सिग्नल चला जाएगा, वहाँ उनको पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे है, इस लोकेशन है, और वो लोग वहाँ से आ सकते हैं हमको प्रिवेंट करने, प्रोटेक्ट करने। हमारी फैमिली मेम्बर्स को भी पता चल जाएगा हमारी लोकेशंस, और अगर इन केस हमारे साथ कुछ और भी गलत होता है तो उसमें रिवॉल्वर रहेगी, हम लोग उस रिवॉल्वर को बहुत इमरजेंसी केस में यूज़ कर सकते हैं, उससे बस एक स्पार्किंग जनरेट होगी, कुछ हार्म नहीं होगा किसी को, स्पार्किंग जनरेट होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ रहेगी, जो पास में जितने भी लोग होंगे उनको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है कहीं पर, तो वो आके उस वुमेन को या किसी भी लोगों को बचा सकते हैं। जो गन जैसा डिवाइस है उसको रखेंगे कहाँ? हम लोग गन जैसी डिवाइस जो है उसको पर्स में रख सकते हैं, कहीं पे भी, बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत पतली सी है, इतनी बड़ी मुश्किल से 5 to 6 centimeters उसका साइज़ होगा, उसको आप लोग पॉकेट में भी रख सकते हैं, उसको आप लोग पर्स में भी रख सकते हैं। ये स्मार्ट ईयरिंग गन तेज आवाज़ के साथ छेड़खानी करने वाले मंचलों पर लाल और हरी मिर्च की बुलेट भी दाग सकती है। इसके साथ ही झुमकों में लगा एक बटन दबाने से 112 और 100 इमरजेंसी नंबर पर कॉल भी चला जाता है। इस ईयरिंग गन को किसी भी मोबाइल के ब्लूटूथ से अटैच कर यूज़ किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसे बनाने में श्याम चौरसिया को लगभग 4 महीने का समय लग गया है, और इसका वजन तकरीबन 45 ग्राम व इसकी लंबाई करीब 3 इंच है। आपको बता दें कि इस ईयरिंग गन में एक 3 इंच लंबी 5 mm मोटी फोल्डिंग बैरल है, जिससे ईयरिंग गन में लगाकर मंचलों को महिलाएं सबक सिखा सकेंगी। आपको बता दें कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें 3.7 volt की बैटरी है और 2 switches लगे हैं। एक स्विच गन के ट्रिगर का काम करता है और दूसरा 112 व 100 नंबर को कॉल करता है। इस डिवाइस को बनाने में श्याम चौरसिया को लगभग 450 रुपये का खर्च भी आया है, लेकिन यह डिवाइस निश्चय ही लड़कियों और महिलाओं के लिए एक सुरक्षा का कवच साबित होगी। हमने अभी बनाया है जो ये ईयरिंग गन है, वुमेन सेफ्टी डिवाइस है। आजकल जैसा हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ इस तरह के रेप और बलात्कार जैसी घटनाएं जो बढ़ रही हैं, ई टीचिंग के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो इनसे कैसे एक लड़की, एक वुमेंस अपनी आत्मरक्षा कर सकती है तत्काल उस स्पॉट पे उन अपराधियों से, तो इसको देखते हुए हमने इसके पहले भी कई डिवाइस बनाए भी थे। ये यूनिक है क्योंकि इसको हमने कान के झुमके में लगाया है, इससे 112 को कॉल किया जा सकता है, और स्थिति अगर ज़्यादा गंभीर है, जो लड़कियों ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो वो आप पॉकेट से छोटे से गन को निकाल करके फायर भी कर सकती हैं। फायर का आवाज़ काफ़ी तेज़ होता है ताकि समय रहते पब्लिक वहाँ पहुँच सके। जो फायर का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब तक कि पुलिस या पेरेंट्स वहाँ पहुँचें, उस दरमियान कैसे वो जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो कैसे अपना अपनी आत्मरक्षा कर सकती हैं, तो वो फायर करके अपनी आत्मरक्षा वो कर सकती हैं। कितना खर्च आया और क्या क्या चीज़ें इसके लिए? इसको बनाने में 300-400 रुपये का खर्च आया। ब्लूटूथ लगा हुआ है, स्टील के छोटे बैरल्स हैं जिसमें 1 से 2 bullets भी लगते हैं, ये चार्जेबल है पूरी तरह से। एकदम सही है। आगे होते हैं
हम लोग जैसे कि यह देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में जो वुमेंस हैं वो बड़ा इनसिक्योर फील करती हैं। जब भी वो मार्केट जाती हैं या कहीं पे अपने किसी काम के लिए जाती हैं तो उनको भय सा बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उनके साथ अभद्र व्यवहार करे, उनके साथ बदतमीजी करे या उनके साथ और भी अश्लीलता करें। तो उस सब को देखते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनको सिक्योर कौन फील कराएगा। ये काम हम इंजीनियर्स का ही होता है, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें इन्वेंट करें जो कि उन वुमेंस में कॉन्फिडेंस ला सकें, उनको ये सिक्योर फील करा सकें कि वो अब सिक्योर हैं उनकी सिक्योरिटी को लेके। तो इसमें एक हम लोगों ने एक ईयरिंग बनाई हुई है, इस ईयरिंग को वो अपने पास रखेंगी, अपने उनके ईयर में होंगी और जब भी वो अपने आप को असहज फील करेंगी या जब उनको लगेगा कि कोई उनके साथ अप्रत्याशित घटना होने वाली है तो वो उस ईयरिंग में एक ब्लूटूथ डिवाइस लगा हुआ है जिसके थ्रू वो 112 पे कॉल कर सकती हैं और पुलिस स्टेशन को, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर सकती हैं। साथ ही साथ इसमें एक ऐसा प्रोविज़न किया गया है जिसके थ्रू वो फायर भी कर सकती हैं और जब ये फायर होगी तो इससे एक आवाज़ सी आएगी, बहुत तेज वॉइस आएगी, आवाज़ आएगी जिसको सुनकर आसपास की पब्लिक भी वहाँ पे पहुँच जाएगी जो उनको वहाँ से प्रोटेक्ट कर सकती है। ये कान के हियरिंग में ही होना चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट कैसे आया? एक्चुअली मैं जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वुमेंस हमेशा जो है ईयरिंग पहनती हैं तो इसलिए हमने इशू को चूज़ किया कि ये तो हमेशा उनके ईयर में ही रहती है और इसके थ्रू ये सारी चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। तो आगे क्या कुछ है इस पर होना है बाकी या पूरी तरह से इसका वेट क्योंकि ज़्यादा है? जी इसका वेट ज़्यादा है, अभी इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। किस तरह की टीम ने इसको पूरा किया है? इसमें जो है हमारे जो टीम है चौरसिया सर हैं जिन्होंने बिल्कुल गाइड किया हमारे स्टूडेंट्स को, जूही है, जूही गुप्ता है, शालिनी राय, उन लोगों ने मिलके इस डिवाइस को फॉर्म किया। रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट।